और एक और सवाल छोटा सा, बस एक हल्का सा ही सही कमेंट कर दें कि काफी डिस्कशन चल रही है आजकल सेक्युलरिज्म पर और सेक्युलरिज्म के इस्तलाह और उसकी तारीफ पर। तो सेक्युलर निजाम में शमूलियत की बात भी उसके साथ चल पड़ती है और इस पर अलग अलग आरा पाई जाती है। तो क्या इस पर वाकईतन ट्रेडिशनली उलमा में अलग अलग आरा शुरू से पाई जा रही है या ये नए दौर की पैदाइश है? देखें, एक जमाने तक सेक्युलरिज्म क्या है उस ताल्लुक से कोई वजाहत नहीं थी, और सेक्युलरिज्म के बारे में ये समझा जाता था कि किसी मजहबी हुकूमत के तहत रहने से बेहतर ये है कि सेक्युलर निजाम में रह लिया जाए, चूंकि सेक्युलरिज्म का मतलब है तमाम मजहबों को अपने अपने मजहब पर चलने की आजादी है, ये सेक्युलरिज्म का मतलब समझा गया था। लेकिन वक्त ने यह साबित कर दिया कि सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि ला मजहबियत को आजादी होगी, मजहब को कोई आजादी नहीं होगी। ला मजहबियत मजहब को डिक्टेट करेगा कि क्या चीज सही और क्या चीज सही नहीं है, यह ला मजहबियत बताएगी, मजहब नहीं बताएगा। सेक्युलरिज्म के ये माना अभी हाल फिलहाल में उलमा को पता चलना शुरू हुए हैं, और उसकी वजह यह है कि सेक्युलर गवर्नमेंट की जो हरकतें हैं वो गुज़िश्ता 20 सालों के अंदर दुनिया के सामने बहुत वाज़ह तौर से आई हैं। तो अब जो डिस्कशन है वो एक दूसरी रुख पर जा रहा है कि क्या वाकई सेक्युलरिज्म को सपोर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्या सेक्युलरिज्म एक प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ है या नहीं है। मैं समझता हूं, मेरी जाती राय यह है कि सेक्युलरिज्म या सेक्युलरिस्ट से ज्यादा मुतशद्दिद फंडामेंटल एक्सट्रीमिस्ट कोई नहीं हो सकता। यहां तक कि एक मजहबी कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, वो सेक्युलरिस्ट के लेवल तक की जो एक्सट्रीमिज्म है वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इस निजाम को किसी भी तरीके से कबूल किया जाना चाहिए, बल्कि दुनिया में इस ताल्लुक से गुफ्तगू होनी चाहिए कि सेक्युलरिज्म से बेहतर कौन सा निजाम है। बेहद शुक्रिया, जजाकुमुल्लाह खैर व खैरन कसीरा, शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।